हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लासा और मासा के बारे में। लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक एंड मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। इसे इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मासा को समझ लेते हैं। मासा यानी कि एचसीएफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा क्या होता है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो यानी कि सुनिए, मासा क्या होता है, जो दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो उसका गुणनखंड होता है जो दी गई संख्या को पूर्णता विभाजित कर सके। यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित कर सके वो हमारी क्या होती है, वो हमारा होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो छोटी छोटी संख्या होती है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो विभाजित उनको कर सके। तो ये चीज होता है इसमें लासा और मासा में। एचसीएफ में यानी कि मासा में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 36 और 10 का मासा निकालिए यानी कि एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। ओके, तो यहां पर HCM निकालना है। तो इसका दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। क्या है, फैक्टर मेथड। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है भाग विधि। तो दो विधियों से आप क्या कर सकते हैं, मासा को और लासा को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम दोनों विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि से हम लिखते हैं, गुणनखंड विधि से। इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, इसका हम मासा निकालते हैं। तो हमारी संख्या क्या है, 36 और 10। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो यहां पर हम गुणनखंड निकालते हैं, 36 है तो ये दो से कट जाएगा, दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो नौ 18, तीन तरक्के 9, तीन एक कम 3। तो यहां पर क्या करें, सिंपल सा भाग करें, ये आपको आता होगा। दो एक कम दो, यहाँ पर एक चला गया, हो गया 16, दो अट्ठे 16, ऐसे ही काटते हुए लाना है। तो ये इसका जो गुणनखंड निकले हैं, क्या निकले हैं, दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन। तो इसके गुणनखंड निकले हैं, 10 के गुणनखंड दो ही होंगे, 5 गुणे 10, और इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मासा होगा, आप जानिए मासा कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट यही है कि मासा निकालेगा कैसे। मासा में क्या होता है, जो होता है हमारा, जो दोनों में कॉमन मिले, क्या होता है, दोनों में कॉमन मिले यानी कि इस वाली संख्या में भी हो और उस वाली संख्या में भी हो, वो मासा होता है। और जो ना मिले उनको हम छोड़ देते हैं। तो क्या मिल रहा है, यहां पर देखते हैं, ये दो इसमें भी है और ये दो यहां पर इसमें भी है। ओके, तो ये दो मिला, दो इसमें है और कोई दो इसमें है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो हो चुके हैं, एक बार मिल चुका है। ये वाला दो इसमें कोई नहीं है, तीन इसमें से कोई नहीं है, पांच इसमें है इसमें नहीं है। तो मासा क्या होगा, दो ही तो होगा, क्योंकि मासा में सिर्फ कॉमन ले लो यानी कि जो दोनों में है। तो यहां पर दो इसमें है, दो इसमें है, फिर दो है लेकिन इसमें दो नहीं है तो नहीं लेंगे, तीन इसमें है इसमें तीन है ही नहीं। तो इसी तरह से मासा इसका क्या होगा, दो होगा। तो इस तरीके से हम मासा गुणनखंड विधि से निकालते हैं, जो कि बहुत ही आसान विधि है। अब हम क्या करते हैं, अब हम भाग विधि से निकालते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से। ओके, भाग विधि से हम मासा निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले बड़ा संख्या कौन सी है, 36 है कि 10, तो 36, तो 36 को आपको यहां पर लिखना है और 10 को यहां पर लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, 30 बचेगा, 6 क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा। अब क्या होगा, 6 ऐसे रखने दीजिए और ये जो 10 है उसको यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि अभी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है ना, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये वाला उठा के यहां पर रख दीजिए। 6 कम 6 क्या बचा, 4 बचा है, 4 यहाँ पर रख दीजिए। ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है। 4 के पहाड़े कितने बार पड़ेंगे, एक बार, क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। ओके, अब ये 2 बचा आपका, तो ये 2 यहाँ से हटेगा, ये चला जाएगा 4 इधर, 2 दूनी 4, अब शेषफल क्या आया, 0 आया। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो ये वाली भाजक है आपका, यही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। सिंपल, यानी कि भाग करने पर जो ये जब 0 आ जाए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये आपका भाजक हो जाएगा। तो यहां पर दे सकते हैं,
ये दोनों तरीके से आंसर इसके सेम आए हैं। कैसे आया दोबारा समझाता हूं, सबसे बड़ी संख्या को यहां पे लिखना है, छोटी संख्या को यहां लिखना है, उसके बाद क्या करना है पहाड़ा पढ़ना है भाई, पढ़ा तो यहाँ पर शेष पर छह बचा, तो छह यहाँ नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ये जो भाजक है इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, फिर सॉल्व किया, फिर बचा हमारा क्या चार बचा, तो चार बचा और ये छह को यहां रख दिया, इस तरीके से हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे इन्हीं दो संख्याओं का लासा भी निकालेंगे। तो यहां पर भी दो विधि है, पहली विधि क्या है गुणनखंड विधि, तो हम दोनों विधि से करने वाले हैं गुणनखंड विधि। ओके पहली विधि गुणनखंड विधि है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इनके गुणनखंड निकालेंगे, अभी निकाला था 10 के गुणनखंड क्या होता है 2 और 5, तो यहां पर हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे जैसे कि पहले निकाला था, तो यहां पर तो पहले से हमने निकाल रखा है वही हमने लिख दिया है, अब क्या करेंगे इसमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम यानी कि आपका लासा। ओके तो एलसीएम में क्या होता है, अभी एचसीएम में सिर्फ कॉमन ले रहे थे, एलसीएम में क्या होता है कॉमन होता है उनको तो लेते ही है, जो बच जाते हैं उनको भी ले लेते हैं, तो चलिए करते हैं समझ में आएगा अभी। तो कॉमन क्या है दो इसमें है दो इसमें, कॉमन लिख लिया। ओके एचसीएफ होता तो इतने में हो जाता और कोई मिल ही नहीं रहा है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है जो नहीं मिल रहा हो तो उसको भी लिखना पड़ता है, जैसे कि ये दो है इसमें नहीं है, इसमें तो है इसमें नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एलसीएम है, पांच इसमें है इसमें नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, और ये तीन इसमें है इसमें नहीं है लिखना पड़ेगा, ये भी तीन इसमें है इसमें नहीं है लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो, तो ये होता है एलसीएम। अब इनका क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो दो दुनी चार, चार पंच बीस, बीस तिया साठ और साठ तिया चंग अठारह 180, तो एलसीएम कितना आया 180 आया। तो फिर से समझ लेते हैं एचसीएम में सिर्फ कॉमन लिखते हैं मासा में, और एलसीएम में यानी कि लासा में कॉमन को लिखते हैं साथ में जो कॉमन नहीं होते उनको भी लिखते हैं। अब ये एक विधि से हमने निकाल लिया, कौन सी विधि है ये गुणनखंड विधि है, अब इसी को हम भाग विधि से करने वाले हैं। तो भाग विधि 10 और 36 है, इन दोनों को निकालना है, तो इस तरीके से, तो ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ये दो से होते हैं आप समझ सकते हैं, लास्ट में जीरो है या फिर सम है तो दो से ही विभाजित होगा, तो दो पंची दस और दो एक कम दो बचा एक हो गया सोलह, दो अठे सोलह। आप देखिए यहां पर हम फिर से दो से काटेंगे, ये पांच तो विभाजित होगा नहीं, ये विभाजित हो जाएगा, दो नवा अठारह, अब ये दो से तो कटने वाले हैं नहीं, पांच जो है पांच से ही कटेगा, नौ कटेगा नहीं, अब ये नौ किससे कटेगा तीन से कट जाएगा, तीन तरक्की नौ और ये तीन एकम तीन, तो इसके जो आपको निकला है ये क्या निकला है एलसीएम, यही है आपका एलसीएम क्या है ये दो गुड़े दो यानी दो गुड़े दो कितने बार दो है दो बार पांच है और तीन गुड़े तीन, इन सब का गुणा देखिए ये सेम है कि नहीं, एक दो दो बार दो पांच पांच तीन तीन सेम आया कि नहीं आया 180 आएगा। तो यहां पर क्या है ये वाला जो मेथड है वो बहुत इजी होता है, अगर आपको इसको समझ में आ गया तो ये बहुत ही इजी है। तो दोनों मेथड से हमने क्या किया एलसीएम कैलकुलेट करके देखा, इस वीडियो में हमने एलसीएम व एचसीएफ को डिटेल से समझा है, अगर आपको कोई क्वेरी है यानी कि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।